सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। मैं आपका दीपू साहब, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपू व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज जो है फ्रेम में आपको आगे भी बहुत सारे राइडर्स दिख रहे होंगे। तो आज हम निकले एक ग्रुप राइड पे हैं। आज एक जाना माना राइडर है हमारे साथ, अभिनव ब्लॉग फ्रॉम झारखंड, एंड उनके दो दोस्त भी है, और आगे जीवन भैया है जो कि लोकल ही है, यहाँ पे सिलीगुड़ी से ही है। तो मैं, जीवन भैया, अभिनव और दो भाई हैं हमारे राइडर्स। तो पांच लोग निकले हैं दार्जिलिंग की तरफ, दार्जिलिंग हिल्स की तरफ। तो आज हम जा रहे हैं मिरिक, एंड मिरिक के बाद और भी जगह जाएंगे, नेपाल बॉर्डर या फिर देखेंगे उसके आगे क्या करते हैं। लेकिन अभी तक का प्लान है कि मिरिक जाएंगे, फिर मिरिक के बाद सीमाना जो बोलते हैं नेपाल बॉर्डर है वहाँ पर जाएंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे। तो काफ़ी दिनों बाद मतलब निकले ग्रुप राइड में, ऐसा है यूजली मैं कभी भी ग्रुप राइड करता नहीं हूँ। तो लेकिन भाई लोग आए हैं आज, तो भाई लोग जो है कल ही नॉर्थ सिक्किम मार के आए हैं। तो नॉर्थ सिक्किम जो अभी पूरा खुल चुका है, तो कुछ भी अपडेट चाहिए परमिट वगैरह के बारे में, होटल्स वगैरह के बारे में, तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। परमिट के लिए एक दिन आगे आपको डॉक्यूमेंट्स देना होता है, तो एक दिन आगे आप डॉक्यूमेंट्स एंड सब भेज देना मुझको, आपका परमिट रेडी रहेगा। तो भाई लोग आए हैं नॉर्थ सिक्किम से वापस, एंड अभी देख ही पा रहे हैं खूबसूरत चाय बागान के बीच से होकर निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं अभी गुलमा होके, मतलब गुलमा होके इधर सुकना में निकलेंगे। ये थोड़ा सा शॉर्ट है हमारे घर की तरफ से और सीनिक भी है, इसलिए भाई लोग को जो है इस रूट से लेके जा रहे हैं ताकि ये अच्छा अच्छा रिकॉर्ड कर पाए ये टी गार्डन का नज़ारा, एंड आपको दिखा पाए भाई के ब्लॉग में। तो भाई का नाम है अभिनव, एंड उनका यूट्यूब चैनल का नाम है अभिनव ब्लॉग। तो आप जाके उनको भी सब्सक्राइब करना। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, ऐसा लाइन फॉर्मेशन में चल रहे हैं हम, एंड चाय पत्ती बगान दोनों तरफ हरे भरे, और राइडर्स लोग ऐसे बीच से निकलते हुए बहुत ही खूब, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। दो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, एक डोमिनार है एंड और एक कौन सा बाइक है पता नहीं, मुझको देखना पड़ेगा आगे जाके मेरा एनएस है। तो चलिए अभी चलते हैं आज मिरिक की तरफ, एंजॉय करते हैं आज के ब्लॉग को, दार्जिलिंग हिल्स का अपडेट लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था गैंगटॉक में कि दार्जिलिंग जाऊँगा मैं, तो चल के देखते हैं वहाँ पे एंड इन्जॉय करते हैं आज के ब्लॉग को। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ मुझे बेल आइकन ऐसे भी क्लिक कर देना। तो अभी एक छोटा सा पुल आने वाला है आगे, एकदम छोटा सा, तो उस पुल को क्रॉस करेंगे एंड फिर निकलेंगे हम आगे दार्जिलिंग की तरफ। तो चलिए एक बार मैं दार्जिलिंग हिल्स की तरफ घुसता हूँ, तो फिर मैं वापस आके मिलता हूँ आपसे। यहाँ से होते हैं पहाड़ स्टार्ट, एंड मौसम यहाँ पे हल्का सा बादल बादल लग रहा है, रेनकोट वगैरह कुछ है नहीं, बारिश हुआ तो रुकना पड़ेगा। ऊपर से ये रेनकोट लगा के आ रहे हैं यार, इन्हें देख के तो पक्का लग रहा है कि ऊपर बारिश हो रहा होगा। ये जो अभी एनएस वाले गए दोनों ने, राइडर और पिलियन दोनों ने रेनकोट पहन रखा था। Hear the roar.
वाह वाह वाह, क्या नज़ारा है यार। एक साल बाद मिरिक जा रहा हूँ। बहुत ही पिछले लॉकडाउन में जो है, पिछले लॉकडाउन के बाद गया था, एंड आज फिर इस साल भी लॉकडाउन के बाद जा रहा हूँ। आप इंजॉय कीजिए इन सारे नज़ारों को, तब तक मैं टिंगलिंग व्यू पॉइंट पहुँचता हूँ। टिंगलिंग व्यू पॉइंट पहुँचने के बाद वहाँ पे जो है चाय पत्ती गार्डन का व्यू तो पता ही आपको एकदम कैसा मज़ेदार आता है। तो वहाँ पे पहुँच के वापस आता हूँ कैमरे में, अभी तो ऐसे घुमावदार रोड सा भी है, तो चलते ऊपर, फिर ऊपर जाके वापस आता हूँ। तब तक आप इंजॉय कीजिए इन सारे नज़ारों को। तो ये लीजिए, हम एंटर कर चुके हैं टी गार्डन में, एंड लुक एट द व्यू, क्या नज़ारा है यार। वाह, बहुत ही शानदार, एकदम हरे हरे चाय के पत्तियाँ। अभी ऊपर जाके मैं दिखाऊंगा नीचे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ से गुजर रहा हूँ, तो यहाँ का भी नज़ारा एंजॉय कीजिए। पीछे सारे राइडर्स हैं हमारे, मैं सबसे फर्स्ट में चल रहा हूँ, एंड बाद बाकी सभी पीछे हैं। यहाँ पे बारिश भी हुआ है, एंड अच्छा हुआ कि बारिश ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, नहीं तो क्या बोलूँ, हम भी बीच जाते। जब ऊपर चढ़ रहा था तभी मैं देख रहा था, मतलब कि जो भी मतलब राइडर्स नीचे जा रहे हैं वो सारे रेनकोट पहने हुए, तभी डाउट हुआ था कि हाँ बारिश हो रहा है भाई। तो आज ठंड में जो है इस हेलमेट के एंटी फॉग का भी टेस्ट होगा। फर्स्ट टाइम एंटी फॉग वाइजर वाला हेलमेट लगा रहा हूँ, पहले स्टड्स वाले में जुगाड़ करना पड़ता था। ये देखिए, एंड वो देखिए पहाड़ों में फॉग, देखिए यार व्यू का तो क्या बोलूँ, व्यू का तो कोई जवाब ही नहीं है। Just look at this. तो अभी हम पहुंच चुके हैं टिंगलिंग व्यू पॉइंट, एंड पीछे हमारे बाइक का लाइनअप है, टी गार्डन है, व्यू तो व्यू और मौसम आज का अच्छा मिला है, हालांकि बारिश हुआ है, एंड ऐसे खुले खुले बालों में क्या बोलूँ, बहुत ही सेक्सी लग रहा होंगे सर। तो चलिए हमारे जो स्पेशल राइडर है आज, उनसे मिलाते पहले आपको। ये देखिए छिप रहे हैं, तो भाई राम भाई लोग वोट दे दीजिएगा हमको अगली बार, फ्रॉम झारखंड, झारखंड से उठेंगे भाई, वोट कर देना। तो भाई है अभिनव, झारखंड से जाने माने राइडर है हमारे, झारखंड के दोस्त है, बहुत अच्छे परम मित्र, प्रिय मित्र है हमारे, प्रिय मित्र। तो तीन चार बार मिलना हो चुका है आगे, लेकिन राइड का सौभाग्य जो है आज मिला है भाई के साथ। एंड भाई जो है नॉर्थ सिक्किम रिटर्न करके आए हैं, तब आज मतलब मिरिक का प्लान बन गया अचानक रात को, बहुत सुंदर। तो भाई मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ मतलब फरमाइए, क्या फरमाए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे तो घूम करके आ गए, बंजर पहाड़ हमने देख लिया, तरह तरह के पेड़ पौधे में देख लिया, अभी फिलहाल हम आए हुए मिरिक और यहाँ पे चाय के बगान के मजे लिए जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक नजर जा रही है ना, जहाँ तक नजर जा रही है बस चाय ही चाय नजर आ रही है, एकदम पीने के लिए नहीं है भाई, बस देखने के लिए, हरियाली ऊपर जाकर के पिएंगे। तो और भी हमारे राइडर्स लोग हैं यहाँ पे, ये भाई है यहाँ पे, एंड पीछे का व्यू देखिए, तो ये है अभिनव भाई का बाइक, एकदम एडवेंचर
पूरा फुल्ली लोडेड एकदम। एंड यहाँ पे हमारे राइडर्स लोग, सब लोग हाई बोलिए मेरे कैमरा में। Hello. आपका नाम? प्रकाश कुमार सिंह। सो गए प्रकाश गुप्ता। जीवन राणा। जीवन राणा। अभिनव कुमार। अभिनव कुमार। जीवन भाई यहीं के है, लोकल है? लोकल नहीं है, रांची में थे, अभी एक साल से यहाँ रह रहे, तो अभी लोकल हो गए। हाँ, लोकल हो गया मतलब। और ये है हमारा बाइक का लाइनअप। तो राइट कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, और थिंग व्यू पॉइंट से निकल चुके हैं, एंड अब सीधा हम रुकेंगे मिरिक लेक में। तो वहाँ पे अच्छा अच्छा शॉट्स लिया, एंड अभी ना भाई को व्यू दिखाया वहाँ से, बड़ा ही मस्त व्यू दिखता है थिंगलिंग व्यू पॉइंट से। अभी जो नया नया मतलब लीफ कटिंग हो रहा है चाय बागान का, तो हरा एकदम लाइट ग्रीन कलर का जो एक कॉन्ट्रास्ट आता है ऊपर में, वो देखने में मज़ा आ जाता है। तो बस अब घुसने ही वाले हैं मिरिक लेक में, एंड ऊपर आते आते यार ठंड बढ़ चुका है, बर्फीला हवा है, बर्फीला, उतना भी ठंड नहीं है लेकिन लग रहा है ठंड। रोड का हालत यहाँ थोड़ा सा खराब, एंड रियर व्यू मिरर में देखिए पीछे अपने राइडर्स कैसे लाइट जला के आ रहे हैं। डाल दो ना यहीं पे। तो पहुंच चुके हैं मिरिक लेक में, एंड जा रहे हैं उस तरफ में, मिरिक लेक का जो जंगल है वहाँ पे। पीछे अभी ना भाई आ रहे हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पिया अभी हम लोग ने, एंड मिरिक का जो व्यू है, मौसम भी काफ़ी सुहाना सा है। चलते हैं अभी उस तरफ में मिरिक लेक का। मज़ा आ रहा है कि नहीं? बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मौसम गर्म था, ठंडा हो गया, अभी जब ठंडा हुआ तब मज़ा आ रहा है। लेक बहुत सुंदर है। लेक सुंदर है, गहरा भी है, बहुत गहरा। निकल रहे हम मिरिक लेक से, खूबसूरत मिरिक लेक को बाय बाय कहते हैं। उसके बाद खाना खिलाना है। हाँ हाँ, अभी मछली को खाना खिलाना है। जीवन दा बोल रहे मुड़ी खिलाएंगे, चलो देखते हैं। तो निकल चुके हैं मिरिक से, एंड अभी जीवन दा जो है हमारे, तो वो लेके जा रहे हैं कहीं पे जहाँ पे मछली को खिलाना है। तो यहीं पे जगह है, यहाँ पे रोकते हैं बाइक। सारे भाई लोग देखिए मछली को मूड़ी खिला रहे हैं, एंड मछली देखिए कितना ज़्यादा है, वाह। जो है निकल चुके हम यहाँ से भी, और वेदर यार बहुत ही फॉगी टाइप का हो गया है अभी। पल मतलब पल दो पल में मौसम बदलता है यहाँ पे, लेकिन जो भी मौसम हो इन चाय पत्ती बगान को मतलब देखने का मज़ा ही अलग है।
ये देखिए अभी का मौसम आप देखिए, कहीं पे थोड़ा थोड़ा बादल है, कहीं पे घना कोहरा है। अब नीचे जैसे उतरेंगे तो सिलीगुड़ी में देखना पक्का धूप मिलेगा हमको।